रायगढ़ जिले में इरशालवाड़ी के तल पर स्थित वाड़ी पर बुधवार की रात मौसम का हमला हुआ और बड़ा भूस्खलन देखने को मिला। इस भूस्खलन के बाद कई लोग मलबे में दब गए और 16 लोगों की जान चली गई। इस घटना को देखते हुए पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने 22 जुलाई को अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला किया, फिर इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी 22 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला कर लिया। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जन्मदिन को लेकर होर्डिंग्स, बैनर और विज्ञापन ना लगाए। केक, फूल, गुलदस्ते, बैनर, होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि पर खर्च होने वाला पैसा इरशालवाड़ी गांव के पुनर्विकास और त्रासदी के पीड़ितों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने की बात कही है। बुधवार की रात जो लोग चैन की नींद सो रहे थे वो कुछ ही पलों में वहां नहीं रहे और पूरा महाराष्ट्र हिल गया। रायगढ़ जिले में भारी बारिश के कारण आई आपदा में इरशालवाड़ी के 48 में से 17 घर दब गए थे। इस हादसे में करीब 20 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए जबकि बाकी 10 घरों को बचा लिया गया है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।